अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक की रहमत करम से माशाल्लाह से हम लोग ठीक हैं। आज है संडे और अभी 9:30 हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं शाम के लिए सत्तू बना रही थी। शाम अभी थोड़ी देर हुआ, सोकर के उठ के फ्रेश हुए और मैं ना 8 बजे के करीब उठ गई थी। फ्रेंड, उठने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होकर के मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दी थी। सैम सोकर के थे तो दूसरे वाले ये जो हॉल वाला रूम है उसमें आकर के मैं ना एक्सरसाइज करने लगी थी। और जब तक मैं एक्सरसाइज करके फ्रेश होकर के फ्री हुई तो फिर शाम बोले कि उनको भूख लग चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे नाश्ता दे दो। तो हमने उनके लिए सत्तू शेक बनाया। तुम्हारा व्लॉग क्या जान है? अच्छा, और मैं कंटेंट है। मैं यू आर द डायरेक्टर, यू आर द एडिटर। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, फैन ऑफ करिए। तो अब मैं जा रही हूँ हावड़ा स्टेशन। नहीं, अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी बना करके पीने, सिप सिप करके उसे पीऊंगी। और शाम को लग रही थी भूख, इसलिए हमने उन्हें नाश्ता दे दिया। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने लिए रूटीन फॉलो करने। इसमें और बचा हुआ थोड़ा सा सत्तू, आप ले लीजिए। तुम ले लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी ना, मुझे आज नाश्ता ऐसे भी करने का मन नहीं। अगर करूंगी तो मतलब मन हुआ करूंगी तो देखा जाएगा, इसलिए इसको पूरा आप फिनिश करिए। इसको बहुत ज़्यादा गुनगुना नहीं करना है फ्रेंड्स। आप देखें हल्का हल्का सा बबल्स आने लगा और स्टीम बाहर आने लगा। और अब हम कर देंगे गैस को ऑफ। इसमें गुनगुना पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। और आप लोग जो भी वेट लॉस कर रहे हैं हमारे साथ, आप लोग भी ऐसा मेक श्योर करें कि आप लोग भी ना गुनगुना पानी या कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक जो आपको लगे कि हाँ आज मुझे ये पीना, जो आपका दिल करे वो अपनी मॉर्निंग रूटीन में ज़रूर ऐड करें सुबह सबसे पहले। तो मैं आज ले रही हूँ गुनगुना पानी और मैं 1-2 दिन से ऐसा ही कर रही हूँ, गुनगुना ही पानी ले रही हूँ। पहले आप देखते थे मैं धनिया का पानी लेती थी, सौंफ का पानी लेती थी, लेकिन अब वो सब लेना हमने बंद कर दिया है। मैं सिर्फ गुनगुना पानी ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे वो पहले वाला एकदम एक्सट्रीम वाला वेट लॉस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वाला। अभी तो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे कि देखते ही आप, थोड़ा ये वो होता रहता है घर में, थोड़ी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, उस वजह से रूटीन वगैरह भी मेरी इधर उधर होती रहती है, तो उस वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत वेट अप डाउन होता रहता है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो वाली चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की। थोड़ा सा मैं अगर अपनी रूटीन सही कर दी हूँ फ्रेंड्स, तो मेरी ना फिर से मैं अपना जो मेरा वेट है जितना मुझे रखना है मैं उस पर आ जाती हूँ। ये वाला जो दाल मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत बार आप लोगों के ये कमेंट आए हैं कि ये जो प्लेन वाली दाल है बिना इसके ऑयल के मैं बनाती हूँ, इसको आप अच्छे से डिटेल्स में लिखा है बताएं। और ये बिना ऑयल का बनता है बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और बिना ऑयल का हो गया तो ये हेल्दी तो होगा ही होगा। और वेट लॉस के दौरान इस तरह से अगर आप अपना जो फूड अपना जो प्रिपेयर करेंगी, अगर इस तरह से करेंगी कि जिस चीज़ में ऑयल ना जाए वो चीज़ करेंगी, तो वेट अच्छे से लॉस होगा। सो आपके घर में जितने लोग हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से दाल ले लें। जैसे कि मैंने ये दाल ले लिया, दाल हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, उसका रीज़न ये है कि मैं दाल थोड़ा सा ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करती हूँ। और आज से मैं फिर से माशाल्लाह से अच्छे से इंशाल्लाह अच्छे से रूटीन फॉलो करूँगी। शुरुआत तो हमने मॉर्निंग से कर दी है, तो इसलिए हमने दाल अच्छे से लिया ताकि बच जाएगा तो मैं इसे पीऊँगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा। दाल आप ज़्यादा पियेंगे अच्छे से तो पेट वगैरह भी अच्छे से क्लियर होता है, साफ होता है, तो फ़ायदा करता है। तो हमने ये दाल ले लिया फ्रेंड्स, इसको अब 2-3 पानी अच्छे से धो देना जब तक इसकी गंदगी ना निकल जाए। तो चलिए पहले मैं इसे धोती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें अब मैं डालूँगी फ्रेंड्स ये हल्दी पाउडर, उसके बाद सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, जितना दाल की क्वांटिटी उतना सॉल्ट पड़ेगा। इसमें अभी क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा चॉप करके ये मैंगो रख ली थी, ये भी ऐड करूँगी। तो ये दाल में ना ये खट्टापन आता है, तो ये मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 बिली लीफ यानी तेज पत्ता, चॉप किए हुए ऑनियन एंड 2 ड्राई चिली, ये 1-2 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप 1 भी कर सकते हैं। हालांकि दाल की क्वांटिटी हमारी अच्छी है तो ये 2 में ठीक होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स ये टमाटर। मेरा ना थोड़ा सा गला पता नहीं फंस रहा है। और ये दाल में देखिएगा आप, मैं ऑयल नहीं डालूंगी, सारी चीज़ें अब इसमें हो गई है।
और अब इसमें मैं डालूंगी पानी, गैस कर दूंगी ऑन, ये भी मैं डाला कुकर और बस 3 सीटी लगेगा और मैं गैस कर दूंगी बंद और दाल हमारा हो जाएगा रेडी। और मैं इसमें से फिर दाल निकालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास एक ही कुकर है और इसमें ही हमें गोश्त भी बनाना है, इसलिए फिर दाल। मैं उस दिन जो हावड़ा स्टेशन से हमको लेने गई थी तो मैं ना उस तरफ से ना अपने लिए ग्रीन टी ले आई थी, और ये मैं बहुत टाइम पहले ले रही थी, इधर मैं नहीं ले रही थी। और ये जो इस बार मैं लाई हूँ वो मैं अपनी प्यारी सी अप्पी की वजह से लाई हूँ। सप्पी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं सो थैंक यू सो मच अप्पी, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरी छोटी छोटी सी चीज़ों का केयर करती हैं, तो बस ये उनके ही तरफ से मुझे मिला था। बस अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही होंगी तो वो समझ जाएंगी कि मैं उनको ही बोल रही हूँ, सो थैंक यू। और यहाँ पे फिर मैंने दाल अपना बना लिया था फ्रेंड्स, और वो रेडी हो गया था। हमने ना उसे दूसरे इसमें कढ़ाई में मतलब वही हटा लिया था, और इस तरफ गोश्त हमने धुल करके डाल दिया था, उसमें हमने चॉप करके ऑनियन सॉरी स्लाइस करके डाले हैं, और स्लाइस करके टमाटर भी डाला है, और अदरक लहसुन थोड़ा सा गरम मसाला ये सब का पेस्ट बनाया था हमने, वो इसमें ऐड कर दिया। सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप भी डालें। इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी मैं, और इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर भी इसमें डालूंगी, और ये एक साथ वाली गोश्त बनती है। बट यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ईजिली बन भी जाती है। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल रखना, ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हर चीज़ में कोशिश करती हूँ कम से कम ऑयल यूज़ कर। लोग भी ऐसा ही करें फ्रेंड्स, हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, अपने आप को फिट रखना है। फिट ये सोच के नहीं रखना कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी अच्छी दिखूंगी, फिट इसलिए रखना है ताकि बहुत सारी बीमारी से हमें दूर रहना, हेल्दी रहना। तो उसके लिए हमें ना छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, तो ये सब चीज़ें आप भी करें। अच्छा, किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है फ्रेंड्स कि मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मेरी गर्मी से स्किन में जलन से शुरू हो जाती है, और छोटे 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 गर्मी से जो पिंपल आते हैं वो आ जाते हैं। तो मैं क्या करती थी आज, आइस मसाज सॉरी क्या बोल रही फ्रेंड्स, मैं ना आइस मसाज कर ली थी अपने फेस पर, और आप लोग भी ज़रूर करें। ये आइस मसाज अपने फेस पर करेंगे ना, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग रहेगी और ग्लो करेगी, बहुत अच्छा रहता है ये आइस मसाज, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं कभी कभी कर लेती हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी लेकिन अभी थोड़ा मतलब चीज़ों में उलझ जाती हूँ इसलिए। हुसैन जा रहे हैं आज बली में की दावत में, बारात में भी मैं नहीं गई थी फ्रेंड्स, और बली में भी हुसैन जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने मुझसे ज़िद किया है जाने के लिए, बट मेरा मन नहीं है जाने का इसलिए हमने कैंसिल किया। तो ये जो दावत थी फ्रेंड्स, इसमें बारात का भी मिला था, वही जो दरभंगा जाने का मिला था जो हमने आप लोगों से शेयर भी किया था। एक मिनट फैन ऑफ कर दे रहे, तो वही दरभंगा जो बारात किया था गांव, तो वहाँ से बलीमा थोड़ा लेट से हो रहा है। जीत किया था कि तुम भी चलो, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बट मेरा पता नहीं क्यों जाने का, मेरे ही मोहल्ला में ही है, पास में ही है, और मेरा ऐसे ही गर्मी बहुत था ना, तो मेरा मन नहीं किया कि अब रेडी हूँ जाऊँ ये वो, तो मैंने शाम को कहा कि आप ही चले जाएँ, आप दावत खा करके चले जाएँ, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ। तो इसलिए सर ने घर में गोश्त वगैरह ला ही दिया था, ऐसे भी नाइट का खाना तो घर में ही होगा ना। तो चलिए अब 2:30 बज रहे हैं और मैं शाम को ही निकलने की इंतजार में थी, लगे हमको थोड़ी थोड़ी भूख मुझे मतलब मुझे लग रही थी, बट मैं सोच रही थी कि एक बार शाम रेडी होकर के चले जाएं, फिर मैं खाना वगैरह फ्री होकर के खाऊंगी। तो शाम चले गए, अब मैं जा रही हूँ अपनी लंच थाली लगाने, जो कि होगी वेट लॉस थाली। एक कमेंट मुझे आया था फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा था कि दी क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, तो जी हाँ डियर, इंटरमीडिएट फास्टिंग से फास्ट वेट लॉस होता है। अगर आप जल्दी कहीं शादी वगैरह अटेंड करना चाह रहे हैं या जल्दी रिजल्ट पाना चाह रहे हैं तो आप 10-15 दिन की इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर सकती हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैंने भी किया था। और रही बात, उन्होंने ये भी पूछा था कि शुगर क्या बताएं डी प्लीज़, कि कम से थोड़ा बहुत एकदम कम से कभी कभी शुगर वाली चाय पी सकते हैं। तो डियर, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो जैसे जहाँ पे एक कप में हल्का सा थोड़ा सा डाल दें, और नहीं तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको वेट लॉस में अच्छा रिजल्ट पाना है तो आपको बोलूँगी कि आप ना शुगर को अपनी डाइट से कट करें, आप शुगर के जगह ना जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करें, मीठा ही से मतलब है ना, तो मीठा तो उससे भी हो जाएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फिर देखिए, मैं फैन ऑफ की फ्रेंड्स आप लोगों से बात करने के लिए, और गर्मी से देखिए हालत कैसी हो रही है। और ये वही सूट है फ्रेंड्स जो हमने न्यू स्टिच किया है, मैंने खुद से ही किया, ये देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक है, ये देखिए दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ये प्लाजो, और ये शैम ने ही बहुत पहले दिलाया था ये फैब्रिक, ये शैम के ही पसंद का ये भी है, जिसका एक मैं सिल ली हूँ जो पहनती हूँ,
और एक ये पड़ा हुआ था इसका, तो मैंने सूट वगैरह सिल के इसको रेडी किया है। इसका दुपट्टा का मैंने कुछ इस तरह से मैच करने के लिए इस तरह से प्लेन दुपट्टा लेके इसका लाइनिंग करके मैं बना ली। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धूप गर्मी इस तरह की किचन में आ जाती है, ये देखें वीडियो में तो शायद सही से नहीं दिख रहा होगा, बट ये देखें कितनी सारी धूप आ गई किचन में, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। खैर तो खाना तो रेडी है, तो मैं तो अभी सिर्फ निकाल लूँगी। गोश्त हमने थोड़ा भुना भुना ही रखा है फ्रेंड्स, और क्योंकि दाल चावल है, और मैं एक खीरे का जो है वो सोच रही हूँ सैलेड कट कर लूँ खाने के लिए एक खीरे को। इसका पहले मैं सैलेड बना लूँ, फिर अपनी लंच थाली बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप लोग ही फ्रेंड्स अपनी लंच थाली वेट लॉस थाली जो कि हमारी होती है वेट लॉस के दौरान, वो आपके घर में जो भी खाना बनाओ उसमें से ही आप अपना लगाएं। सैलेड वगैरह खाने में ज़रूर ऐड करें, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, अच्छा रहता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड आपका फुलफिल भी होता है, आपको पेट मतलब भर जाता है, क्योंकि सैलेड वगैरह में फाइबर होता है अच्छे से, तो इसलिए आप ज़रूर ऐड करें। अच्छा खाना खाने के बाद ना फ्रेंड्स, मैं ना ऐसी थोड़ा कुछ काम ही था, कुछ ऐसा कुछ था करके ना मैं ऐसी जस्ट लेटने गई और मुझे आ गई नींद। शैम आए थे, वो आकर के फिर बच्चों के साथ वो क्रिकेट खेलने चले गए, तो मैं अकेली सोची क्या ही करूँ, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी ना तो मैं सो गई। और मुझे ग्रीन टी खाने के एक घंटे पहले पीना था, लेकिन मुझे सोए हुए एक घंटे हो चुके थे ऑलरेडी। तो मैं जैसे ही उठी मुझे याद आया कि अल्लाह मैं तो ग्रीन टी भूल ही गई पीना, तो मैं ना फिर आगे किचन में और आकर के मैं अपने लिए ग्रीन टी बना ली। और ग्रीन टी आप लोग भी, मैं फिर से बोल रही हूँ, खाने के एक घंटा के बाद ही पिए, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, जो भी करें उसके एक घंटा के बाद आप अपनी ग्रीन टी पिए। तो ग्रीन टी हमने अपनी बना ली है फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा कड़वी बनी है, मतलब कड़वी बनी नहीं है, मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया। और आप लोग भी जो पैकेट वगैरह वाले के चक्कर में रहते हैं ना, वो टी बैग वाले में, उस चक्कर में ना पड़े, जो प्योर होता है लीफ वाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो वो ही आप अपनी इसमें वेट लॉस जर्नी में वही ग्रीन टी ऐड करें। जिस काम से आई थी दुपट्टा लेने के लिए, तो वो जो शॉप से मैं लेती हूँ जहाँ का मुझे पसंद आता है, वहाँ से दुपट्टा जो है ना वो शॉप बंद था तो नहीं मिला। एक दो जगह ट्राई की तो कहीं फैब्रिक पसंद नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, हमने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट टाइम आऊँगी लेने के लिए, सोची कि अब आ गई तो भाभी से मिल लूँ, क्योंकि वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा कहती रहती आने के लिए, और ये मौका है तो कैसे नहीं मिलूँ। तो जा रही हूँ मैं अब ऊपर। भाभी का घर जो है 4th फ्लोर में है, लिफ्ट उनका ख़राब है, इसलिए मुझे ऐसे चल के जाना पड़ेगा, और हालत होने वाली है ख़राब। और शायरा के यहाँ से निकलने के बाद फ्रेंड्स, मुझे नीचे आई ना तो मुझे याद आया कि मुझे ना कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैं आ गई थी कॉस्मेटिक शॉप में, और यहाँ से हमने सबसे पहले लिया कैस्टर ऑयल, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, मुझे यूज़ करना है। और उसके बाद वहाँ से एक दो चीज़ें और छोटी मोटी कुछ हमने लिया है, वो अभी याद नहीं आ रहा। उसके बाद वहाँ से मैं जैसे ही निकली ना फ्रेंड्स, ये मैंगो वाले भैया पे नज़र पड़ी, तो मैंने शैम से कहा, और शैम का भी मन हो रहा था तो हम लोगों ने मैंगो लिया इसमें से फ्रेश देख करके। हालांकि ये मैंगो शैम ने पहले टेस्ट किया लेने से पहले, ये बहुत ज़्यादा मीठा था। और मैं मार्केट आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी पूरी ना खाऊँ, क्योंकि मैं तो हूँ पानी पूरी लवर तो मैंने पानी पूरी खाया, ज़्यादा नहीं खाया। मैंगो को हमने पानी में रख दिया फ्रेंड्स, मार्केट से आए हुए हम लोगों को मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ है, और यहाँ पे मैं बैठ कर आप लोगों से बात करती हूँ। मेरा जो नोज पिन है ना फ्रेंड्स, उसका ये देखिए तल्ली टूट के उसके अंदर जा चुका है, और मैंने जब तक के लिए ये रेडीमेड जो आती है 5 रुपए में शायद दिया, ये वाली नोज रिंग हमने लेकर के पहन ली है, जो मुझे अजीब लग रहा है। अजीब लगने का बात ये भी ये नहीं है, बात ये है कि मुझे ना जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों से कान में नाक में प्रॉब्लम होती है, तुरंत एलर्जी होता है और पक जाते हैं कान ना, और तो मैं तो मजबूरी में डाल ली हूँ, लेकिन इसको कल से परसों तक अगर नहीं हटाई ना तो मेरे इसमें जख्म हो जाएगा, ये टेंशन हो रही। तो यहाँ पे पास में ही हम लोगों की मार्केट है, मतलब नीचे में गोल्ड का एक शॉप है, नहीं हुआ तो कल शैम को लेकर के भेजूँगी, उसमें से वो जो टूट के तल्ली अंदर जा चुका है उसको निकाल देगा, और उसमें न्यू तल्ली लग जाए तो बहुत हल्का गर्म होगा, क्योंकि जो है ना अभी अगर वो नोज रिंग ख़राब हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ये चक्कर है। फ़ैन बहुत स्पीड में, दो दो फ़ैन चला हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या ही बताऊं, इस वजह से आप लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी। एक फ़ैन ऊपर का हमने बंद कर दिया है, और ये जो टेबल फ़ैन हमारा वो सिर्फ चल रहा है। और शायद गर्मी से इतना मारे, मतलब वहाँ आता भाई के यहाँ जा कर के जो मैं गई थी तो ये नीचे भी रुक गए थे उनके शॉप पर, तो परेशान हो गए थे, फिर मैं जल्दी ही लौट आई, ऐसे भी गई तो अच्छा भी था,
क्योंकि भाभी का ना गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हो गया था, उनका प्रेशर लो हो गया था, वो चक्कर खाते गिर गई थी। हालांकि मैं तो एक तफाकन जस्ट ऐसे ही मिल ली, मतलब कुछ काम से गई थी मार्केट तो सोची कि मिल भी लूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं थोड़ा देर बैठी और बैठती और रहती, लेकिन शायद आना घर जा रहे थे आराम करना, तो इसलिए फिर मुझे रिटर्न आना पड़ा। तब फिर नोज़ पिन का क्या कीजिएगा आप? क्या करेंगे, बुखार का फेंक दो नाक के साथ। क्या? नाक के साथ बुखार के फेंक दो, समझे? न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। अच्छा, शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए हर मर्द को। बीवी को नोज पिन मांगे तो नाक उखाड़ के फेंक दो, इयर रिंग मांगे तो कान उखाड़ के फेंक दो, बचेगा क्या? कुछ नहीं, अब आराम से घूमेंगे। अच्छा, ऐसे भी तो आराम से ही घूम गए, ऐसे भी कौन सा बहुत प्रेशर ऐसा कौन सा बड़े आप झुमके शुमके ला के मुझे दे रहे हैं जो आपको प्रेशर है। मैं तो ऐसे भी कुछ नहीं पहनती, इतना सिंपल में था, कम खर्चे में आप भी पड़ जाते हैं। ज़्यादा पहनती डेली यूज में सब चीज़ें तो आपको ला के भी दे सारी चीज़ें। जी मैडम, जी जी जी, सही बोले आप। तो ये थोड़ा मुझे ना अटपटा सा लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की है। बस देखिए एक दो दिन में मेरा सब चीज़, मतलब वो कल बन जाए तो फिर मैं इसे चेंज कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। खाना वगैरह हमने अभी तक नहीं खाया है, 9 प्लस हो रहे हैं, और आप लोग सोचेंगे कि आज की रूटीन फिर मेरी ऐसी ही रह गई। तो जी हाँ, आज फिर मतलब लंच वगैरह सब तो मेरा सही गया, बट इस टाइम की रूटीन भाई भाभी के पास जाने की वजह से गड़बड़ आ गई, मार्केट जाने की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, कल से इंशाल्लाह फिर टाइम से 6 बजे के अंदर ही खाना खाने की कोशिश करूंगी। और आप लोग जो लोग भी वेट लॉस पे हैं, ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप 6 बजे तक ही अपना डिनर कंप्लीट कर लें, 6 बजे के बाद नहीं, नहीं तो लास्ट 7 बजे तक, उससे ज़्यादा लेट नहीं करें डिनर करने में। और हाँ, ग्रीन टी जो मैंने पिया है वो आप क्या करें कि हर खाने के नाश्ते के बाद 1 घंटे के बाद पिए, और लंच के 1 घंटे के बाद, डिनर के 1 घंटे के बाद ही आप ग्रीन टी पिए। तो वेट लॉस में ना आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, और ये जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपका जो है ना वेट लॉस में हेल्प करेगा, और जल्दी फास्ट वेट लॉस होगा। तो ये चीज़ ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें। अपनी दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पता नहीं क्या हो गया, ब्लॉग हो नहीं रहा है, ब्लॉग में हम ब्लॉग तो आपको पहले भी नहीं होता था आपसे, आप अपना ब्लॉगिंग का हाल देखिए। हाय गाइस बोलते हैं। हाँ, ये कितना रीटेक ले जाके तब जाके अपना शॉट देते हैं। और हम कौन सा शाहरुख खाना है, और मैं ऐसे कैमरा लेती हूँ और अपना ब्लॉगिंग कर देती हूँ। और ये रीटेक देने वाले इंसान ये कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ेंगे। कितना आगे बढ़े? बहुत आगे, यहाँ से दुबई तक। अच्छा, क्यों यहाँ से रहने में खुश नहीं है जो दुबई जाना चाहते हैं? दुबई जाना चाहते हैं व्लॉगिंग करते हुए। ओह अच्छा, सपने बड़े बड़े। ठीक है फ्रेंड्स, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, रखती हूँ, मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। देखिए इसके व्लॉगिंग हाल देख लीजिए, रखती हूँ। नहीं नहीं, वो आपकी वजह से कंफ्यूज हो गए फ्रेंड्स, मैं इनके वजह से कंफ्यूज हुई, वरना मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।